हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके सोशल स्टडीज का सबसे फर्स्ट चैप्टर अबाउट माईसेल्फ। इसमें आपको पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली ट्री गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे एक फैमिली ट्री दिया हुआ है। इस ट्री में आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के, आपके फैमिली में जो भी लोग रहते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, दादा दादी, आपके फादर, आपकी मदर, आपके अंकल आंट यानी कि आपके चाचा ताऊ जी चाची, कोई भी ऐसे अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको उनकी फ़ोटो पिक करनी है, इसमें पेस्ट करनी है। ब्रदर सिस्टर, आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, बड़ा भाई है, बहन है, या एक आपको अपनी भी फ़ोटो इसमें पेस्ट करनी है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए, जिसमें आपको अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, आप जिनके भी साथ अपने घर में रहते हैं, उन सभी फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अब जो आपका नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ आपको फिलअप्स टाइप में दिख रहा है, इसके अंदर कुछ डिटेल्स फिल करनी है, कुछ जानकारियां भरनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम, जैसे कि आपका फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आई एम अपना नाम फिल करना है। आई एम मतलब मैं हूँ, तो आप जो भी हैं आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है आई एम अ बॉय गर्ल, यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई एम अ बॉय और अ गर्ल। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आई एम अ बॉय, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आई एम अ गर्ल। उसके बाद नीचे है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप जितने भी साल के हैं, आपकी जो भी उम्र है, जो भी एज है, आप इसमें वो फिल करेंगे। उसके बाद है माई फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम है, यहाँ आप अपने जो फादर हैं उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है माय मदर्स नेम इज, यहाँ आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे, यानी कि आपकी मदर का जो भी नाम है वो आप इसमें फिल करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका माय टीचर्स नेम इज, इसमें आप अपनी सब्जेक्ट टीचर या आप अपनी क्लास टीचर, किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टडी इन क्लास, मैं क्लास में पढ़ता हूँ, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप जैसे ये फर्स्ट क्लास की बुक है, आप ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है आपका माई स्कूल नेम इज, यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आपके स्कूल का जो नाम है आप इस बॉक्स में स्कूल का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका माय एड्रेस इज, यहाँ पर आपको एड्रेस यानी पता लिखना है, आप यहाँ पर अपने घर का पता लिखेंगे, आप जहाँ रहते हैं आपके घर का एक एड्रेस होगा, यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है माय पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर इज, यहाँ आप अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि जो फ़ोन नंबर है वो आप फिल करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, यहाँ आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम फिल करेंगे, यानी जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, लड़का है लड़की है, आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है माई फेवरेट कलर इज़, हम सभी को कोई ना कोई कलर पसंद होता है, किसी ना किसी कलर के कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ आप अपना फेवरेट रंग, अपना फेवरेट कलर फिल करेंगे। माय फेवरेट फूड इज़, यहाँ आप अपना फेवरेट फूड लिखेंगे, जो भी चीज़ आपको खाने में अच्छी लगती है यहाँ पर आप वो फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है माय फेवरेट कार्टून इज़, आप सब टीवी में कार्टून देखते होंगे, तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका माई फेवरेट होलीडे स्पॉट इज, तो यहाँ लास्ट में आपको फिल करना है अपना फेवरेट होलीडे स्पॉट, आप छुट्टियों में जहाँ भी घूमने जाते हैं, चाहे आप दादा दादी के घर जाते हैं या आप नाना नानी के घर जाते हैं या आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ जाना आपको छुट्टियों में अच्छा लगता है, यहाँ आप अपने उस जगह का नाम लिखेंगे।